हे गाइस, माय नेम इज़ नीलेश वानखेड़े एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है उसे किस तरह से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल किया जाता है। तो इसी तरह से आज जो हमारा वीडियो है वो इमेज रोटेशन पे है कि किस तरह से पूरी जो हमारी इमेज है उसे किस तरह से रोटेट किया जाता है और किस तरह से हॉरिजॉन्टल किया जाता है। तो गाइस, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इस तरह से वीडियोस आपको मिलते रहे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है जहाँ पे मैंने दो इफेक्ट्स लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ऑप्शंस की। तो ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं इमेज में, हमें जाना है इमेज में। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इमेज पे क्लिक किया है, उसके बाद हमें जाना है थोड़ा सा नीचे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है इमेज रोटेशन। तो हमें क्या करना है, इसका जो इमेज रोटेशन है ये देख सकते हैं यहाँ पे, जो जहाँ पे मैंने क्लिक किया है यहाँ पे, जहाँ पे आपको बता रहा हूँ मार्क करके, यहाँ पे है इमेज रोटेशन। उसके बाद उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके सब ऑप्शंस आ जाते हैं। ऑप्शन सब सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है कि इसके जो ऑप्शंस है किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं। ओके, तो पहले हम बात करेंगे हमारे पहले ऑप्शन की। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमें जाना है यहाँ पे इमेज रोटेशन में। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे 180 डिग्री, अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी जो पूरी इमेज है वो 180 डिग्रीज में रोटेट हो जाती है। ओके, तो इसी तरह से एक काम करता है ताकि ये जो हमारा जो इमेज का इमेज रोटेशन है इसमें एक ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसमें पूरी इमेज रोटेट हो जाती है। ओके, तो उसके बाद हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है इसमें देख सकते हैं आप 90 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, इसे भी ऐसे क्लिक करेंगे तो ये 90 डिग्रीज में जाके रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह से ये ऑप्शंस काम करते हैं। तो उसके बाद आपको जो थर्ड ऑप्शन है, आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये किसके काम में आता है। तो ये जो 180 डिग्रीज और 90 डिग्रीज है ये दोनों को मिला के ये जो थर्ड ऑप्शन है बना हुआ है ताकि आपको ना 80 डिग्रीज करना पड़े ना 90 डिग्रीज करना पड़े, डायरेक्टली आप ये दो ऑप्शंस के डायरेक्टली आगे जा सके, इसलिए ये ऑप्शन काम करता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, वन मिनट, जैसे आप देख सकते हैं ये जो मेरा देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा येल्लो कलर का जो ग्रेडेशन है इस साइड है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 180 डिग्री करूँगा, उसके बाद मैं करूँगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आ गया। तो अभी देखिए मुझे दो बार करना पड़ा। तो अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं डायरेक्टली जाके 90 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज करता हूँ तो ये डायरेक्टली उस स्टेप पे आ जाता है। तो आप देख सकते हैं ये डायरेक्टली उस स्टेप पे आ जाता है। तो आपको दो बार जाके उसमें क्लिक नहीं करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन उसके लिए काम करता है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे आर्बिट्ररी, तो इसका क्या यूज़ होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप जिस डिग्री में जितने डिग्री में चाहे उतने डिग्री में इमेज घुमा रोटेट कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा आपकी जो इमेज होती है फट जाती है। यूजुअली ये क्या होता है डिजिटल के लिए यूज़ होता है। आपको जैसे मैं बता दूं, मुझे अभी 120 डिग्री मुझे क्लॉकवाइज करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इमेज है मेरी रोटेट हो जाएगी, लेकिन क्या होता है इसके जो पिक्सल्स है फट जाते हैं प्रिंटिंग में। मैं प्रिंटिंग की बात कर रहा हूँ, डिजिटल में आप कितने भी डिग्री में इमेज को रख सकते हैं, लेकिन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इन फ्यूचर आपको अगर इसकी नीड होती है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद तो अपने जो सिंपल से जो हमारे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है फ्लिप कैनवास साइज, देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल कैनवास हॉरिजॉन्टल एंड आफ्टर देन यहाँ पे यू कैन सी हियर वर्टिकल ऑल्सो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्टिकल, अगर मैं वर्टिकल करता हूँ तो यहाँ पे ये जो हमारा ऑरेंज कलर है ये डाउन साइड आ जाता है। ओके, तो ये जो वीडियो था ये इसलिए मैंने बताया, तो मैं वो जो हमने पहले वीडियो बनाया था मैं उसमें भी क्लियर कर सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, तो इसीलिए मैंने इसका जो एक सेपरेट वीडियो बनाया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। सो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इस तरह से वीडियोस आपको मिलते रहिए और आप कुछ नया सीखते रहिए। तो गाइज, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।